G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस एकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे किए, हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को कि इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे। और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। हमने 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का मुफ्त हो जाए, बिल मुफ्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसकी मांग बढ़ती जा रही है, जब पीएम सूर्य घर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सूर्य से तो उसका व्हीकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई हैं, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मेरे देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे।